बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नाश्ता, ये हेल्थी और प्रोटीन से भरा है। ये मैंने सब्जी ली है कुछ, ये मैंने छोटी गाजर ली, इसको कद्दूकस किया और ये कुछ धनिया की पत्तियां, इसको भी धो के अच्छे से वॉश किया, दो तीन लहसुन की कलियां और एक कटा हुआ प्याज और एक हरी मिर्च कटी हुई। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल मैंने 1.5 चम्मच छोटे वाले लिए हैं। ये लहसुन की कलियां हम इसको अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये प्याज ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये लाल गाजर, हरी मिर्च और धनिया की पत्तियां और ये मटर, आधी कटोरी मैंने मटर लिया है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें गैस को लो फ्लेम पर रखना है। आधा छोटा मत चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हम हेल्थी नाश्ता बना रहे थे, इसके ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है, आटा जो हम रोटी बनाते हैं वही है। अब हम इसको बेल लेंगे। हम इसको एक मोटी रोटी की तरह बेल के और जो ये मैंने स्प्रिंग बनाई है, ये सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत हेल्थी और प्रोटीन से भरा है। आप इसको नाश्ते में, लंच में, किसी भी समय बनाएं, ये बहुत ही हेल्थी और बनाने में आसान है। मैंने इस तरह से बेल के इसको बना लिया है। ये मैंने इसी कढ़ाई के अंदर इसको फ्राई करूंगी। हम इसके अंदर हल्का हल्का ऑयल डालना है, तकरीबन 3-4 चम्मच ऑयल से ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। ये एक तरफ से फ्राई हो गए, अब हम इसको एक तरफ से पलट देंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच और ऑयल लगाएंगे। हमें चारों तरफ से इसको अच्छे से बना लेना है। ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। आप भी बनाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।